बहुत ही जबरदस्त का लग रहा है और बच्ची हो क्या आगे बैठी हो गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज यश और भाभी दोनों जने केशव जी मंदिर केसर चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो अभी जस्ट वो आ ही रहे तो हम भी उनके साथ जा रहे हैं मंदिर। और मैं रेडी हो गई हूँ, चिकू भी रेडी हो गए हैं और सर्दी थोड़ी बढ़ गई है रात से। और मिट्टू भी हाँ बोल रहे हैं कि मैं रात को जाग रही थी इसलिए सर्दी की वजह से। तो रात को हमने देखी फिर से आ रहा रहा और बहुत मज़ा आ गया। अभी यश और भाभी आ गए हैं तो अभी हम जा रहे हैं उनके पास। गाड़ी वो क्या आई है तो उसे चिको और वेलकम मैं जीत गया इसलिए। और कैसे कांग्रेचुलेशन आपके वोट जीत गए। हां ब्लेस यू। सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ ये बताओ। सबसे ज्यादा खुश मैं हुई है। हार में जीत है। तो यश और भाभी दोनों जाएंगे एंटॉक पे क्योंकि यश को डर लगता है ऑप्टिमा से। तुम्हारी मेरे को चलते चलते ही चढ़ाओगे। सबसे पहले गणेश जी के दर्शन करेंगे। फादर से मिल के तो अभी हम चारों जने आए हैं गणपति गणपति। ऐसी गाड़ी लेके आए हो मेरे को चलना पड़ेगा जिसमें। अभी मैं और भाभी ये वाली स्टेयर्स लेंगे और यहाँ से चढ़ेंगे ऊपर। आ जाइए। डर लगता है ना कहीं पैरों में आ जाएगी। ऐसे पैर रखती है ऐसे। एक कुत्ता निकल गया। यश गया है कपड़े चेंज करने के लिए। हम तीनों जने यहाँ उसका वेट कर रहे हैं क्योंकि अंदर जाने कर रहे हैं यहाँ लोग। हाँ अंदर जाने के लिए क्योंकि धोती और ऊपर क्या बात यानी धोती पहननी पड़ती है इसलिए अंदर हाँ। तो भाभी ने साड़ी पहनी है इसलिए अंदर जा सकती है। औरतें जा सकती है साड़ी पहन के, आदमी पैंट और शर्ट पहन के नहीं जा सकता। कर दो चीज़ आपके भी मैं तो कर रहा हूँ ना। थैंक यू। हाँ 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 वो मैं समझ गई। पधारिए पंडित जी। साधना करो माथा डो। ए तुम ब्लॉग लो रही के बापड़े के ब्लॉग नहीं बनाओगे तुम तो क्या ये सब चढ़ा दिया है अब जाते हैं नीचे।
तो हम आ गए हैं मंदिर के टेरेस के ऊपर और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा वाइट है इसलिए आँखों में रिफ्लेक्शन आ रहा है, पर यार बहुत जोरदार लग रहा है। हाँ, डोम जैसा बना हुआ है। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त का लग रहा है और इतना आँखों में रिफ्लेक्शन आ रहा है, आँखें ही नहीं खुल रही है क्योंकि पूरा वाइट वाइट है। हाँ, ऊपर ठंडक है, 1% भी वाइट कलर गर्म नहीं होता है ना, थोड़ा बहुत तो सही है। अब आपको छोड़ देंगे रोहन जी के वहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? हम घर ही जा रहे हैं। घर ही जा रहे हैं। तो अभी हम लोग निकल गए हैं और भाभी और यश दोनों अब आ रहे हैं घर पे, तो चलिए घर पे जाते हैं और उनके लिए अच्छा लंच वगैरह बनाते हैं। हमारे भी लंच बाकी है सुबह से, बगैर कुछ खाए पिए आए हुए, मैं तो पानी भी नहीं पिया, पानी पीना भी भूल गई हूँ। अब चलते हैं घर पे। आज गर्मी भी थोड़ी कम है, उमस है, उमस की वजह से थोड़ा स्वेटिंग हो रहा है, बाकी ऐसे तीखी धूप तो नहीं है। अभी आ गए हम राम मंदिर दर्शन करने के लिए, एक मंदिर रह रहा था क्यों रहने दें। हम घर पर आ गए हैं और यहाँ पे भैया क्या कर रही है? हम आ गए घर पे, घर पे तो आ गए, लंच भी बन गया, लंच में बनाए हैं आज जूस, ये दाल, हलवा और बपड़ी और चावल। तो अभी हम सब जने मिल के यहाँ पर कर रहे हैं लंच। कैसा बना है यश? अच्छा बना है, तो तू खा क्यों नहीं रहा? कैसा बना है चिकन? यम यू कल यम। तो अभी सब जने मिलके लंच कर लेते हैं, फिर मिलेंगे। थोड़ी देर रेस्ट किया और अब जा रहे हैं हम शॉप पे दोनों जने, आज तो भाभी लेके जाएगी दुकान। क्यों भाभी थक गए हो पूजा कर करके? जी बोलो, क्या आप क्या बोलना चाहते हैं? ठीक है, अभी जा रहे हैं भाभी और यश। ओ भाई लगी थी, तभी भाभी यश विक्कू तीनों जा रहे हैं, विक्कू भी आ गया। ओके, ध्यान से जाना। निकल रहे हैं अपने घर के लिए और ये बाय बाय। और ये पीछे क्या कहना चाहोगे आप? ओके बाय। छोटी बच्ची हो गया आगे बैठी हो, छोटी बच्ची हो गया आगे बैठी, छोटा बच्चा है क्या? इतना कितना ब्लॉग बना रहा है। बाय बाय छोटे छोटे बच्ची। मम्मी के बॉस कूलर क्यों लाना पड़े? एसी से घर पे आ गए और यश और ये लोग भी चले गए। अब घर पे आ गई मैं, अब थोड़ी देर करूँगी रेस्ट क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, छींके पे छींके आ रही है, तो अब रेस्ट ही करती हूँ थोड़ा। सोई फिर धीरे से उठी क्योंकि तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब लग रही थी, ठंड लग रही थी, तो थोड़ी देर रेस्ट किया। और आज तो बा और आंटी जी सब जने आए थे, सब जने मिले बैठे, और शिमला मिर्ची भी मैंने साथ में ही काट ली थी। और खाने में बनाई है मैंने शिमला मिर्ची बेसन की सब्ज़ी, सुबह के चावल रह गए थे क्योंकि यश चावल खाता नहीं है, तो वो चावल और फ्राई कर दिए इनको और रोटी। तो अब कर देती हूँ मेरा डिनर कंप्लीट और यहीं पर कर देती हूँ मैं व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।